न्यूरॉन्स एंड उसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखा था। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स, हमने उसकी पढ़ी थी न्यूरॉन्स की। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जो हमने ब्रेन के इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दोबारा बता देता हूँ कि डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आप कहते हैं टू टाइप्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेकंड वन इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आगे आपके पास इसमें दो चीजें आ जाती है, एक आ जाता है आपके पास ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, आज हमने जो पढ़ना है दैट इज द डिवीजन ऑफ ब्रेन्स, के ब्रेन बेसिकली हमने कहा इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी व्हिच इज कंट्रोलिंग ऑल द एक्शंस जो आपके बॉडी में हो रहे होते हैं। तो अगर हम ब्रेन को ठीक है, अच्छा अयान अब आ रही है आप आवाज, आपको एक मिनट में थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब आ रही आवाज, पहले से बेहतर है सर, पहले बहुत स्लो थी। अच्छा चलें ठीक है, वो थोड़ा सा इधर तो ठीक है, वो आप अपना नेट का थोड़ा सा देख लेना, उधर का इशू हो गया, इधर ठीक है आवाज आ रही। यस सर। ओके सो तो हम डिवीजन ऑफ ब्रेन में देखते हैं कि डिवीजन हम ब्रेन हमने कहा इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी जो कि आपकी सारी बॉडीज को सारी एक्टिविटीज को क्या कर होता है, कंट्रोल कर होता है। अगर हम ब्रेन की डिवीजन में देखें तो देयर आर थ्री मेजर रीजन जो आपको ब्रेन को तीन मेन रीजन में आप डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन है दैट इज फोर ब्रेन, सेकंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये तीन रीजन है जो कि आप पूरे 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 ब्रेन को आप डिवाइड कर सकते हैं। इन थ्री डिवीजन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो हम जो है वो वन बाय वन ईच फंक्शन को हम देखते हैं, ठीक है। हमने कहा तीन मेन डिवीजन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम बताऊं, ठीक है, तो ये देखें आपके पास इसको हमने कहा कि तीन मेन डिवीजन में किया, आपके पास ये जो अपर पार्ट है ये सारा, ठीक है, दिस इज फोर ब्रेन। ये देखें आपके पास, ये हमारे पास क्या है, ये जो अपर पार्ट है सारा, इसको हम कहते हैं, इस डिवीजन को हम कहते हैं दिस इज फोर ब्रेन। अच्छा ये जो आपके पास मिडल में आ रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज मिड ब्रेन। एंड ये जो आपके पास बैक पे आ रहा है जहां से बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज हिंड ब्रेन। तो ओवरऑल ब्रेन को तीन मेन डिवीजन में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन है, सेकंड वन है मिड ब्रेन एंड थर्ड वन आपके पास क्या है, हिंड ब्रेन है। अच्छा इनको आगे जो ये थ्री मेजर डिवीजन है, इनको फर्दर आगे स्मॉल डिवीजन में डिवाइड किया गया है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फोर ब्रेन का, बेसिकली फोर ब्रेन का क्या फंक्शन होता है और इसके आगे कौन सी मेजर डिवीजन्स है। फोर ब्रेन इज एक्चुअली द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन, जो सबसे बड़ा जो आप कह दें जो पार्ट है दैट इज द फोर ब्रेन। And it is more highly developed in animals and humans. के आपके पास जो higher animals हैं और humans में ये बहुत developed हुआ होता है, means के बहुत complex हुआ होता है, क्योंकि आपके पास more से सबसे जो largest part है वो आपके पास यही है, तो ये आपके पास different activities को क्या कर होता है, control कर होता है। So there are three major regions जो कि आप फोर ब्रेन में है। Number one is thalamus, ठीक है, thalamus जो है it lies just below the cerebrum. थैलेमस अगर मैं आपको इसकी बताऊं ये कहाँ पे है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये आपके पास ये जो अपर पार्ट है इस पार्ट को कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। ये देखें ये फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट और ब्रेन का सबसे जो है लार्जेस्ट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम, ये जो अपर पार्ट है। इसके बिल्कुल नीचे जस्ट बिलो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस हम इस आप कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम। इसका फंक्शन क्या है, इट सर्व्स अ रीजन स्टेशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कि आपके पास स्पाइनल कॉर्ड भी ये है कि आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर ब्रेन की तरफ जाते हैं या ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। तो थैलेमस का फंक्शन ये है कि वो आपके पास एक रिले स्टेशन मीन दोनों के दरमियान एज ए कनेक्शन जो है वो कनेक्टिंग कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिले स्टेशन का मतलब होता है कनेक्शन प्रोवाइड करना आता है। तो थैलेमस बेसिकली क्या है, एज ए रिले स्टेशन के तौर पर फंक्शन करता है बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा यह इट आल्सो रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी इंपल्सेस के आपके पास
वो इम्पल्स जो ब्रेन जो सेंसरी नर्व से लेके आती है, सेंसरी इम्पल्स हम कहते हैं। सेंसरी इम्पल्स कौन सी होती है? जो रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ आती है, ठीक है। तो वो थैलेमस बेसिकली क्या करता है, थैलेमस का फंक्शन ये है कि वो सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है एक्सेप्ट फ्रॉम नोज, कि नोज से जो आती है वो नहीं करता, नोज से जो है वो डिफरेंट करती है, लेकिन बाकी सेंसरी इम्पल्सिस को रिसीव करता है और उनको आगे मॉडिफाई भी करता है, मीन उन पे जो एक्शन लेना होता है वो भी लेता है, ठीक है। और वो आके आपके पास बिफोर दे ट्रेवल टू सेरिब्रम के जो थैलेमस जो सेंसरी इम्पल्सेस है वो जानी होती है आपके पास सेरिब्रम में, लेकिन ये उससे पहले रिसीव करके उनको मॉडिफाई कर देते, ठीक है। इसके अलावा थैलेमस का फंक्शन क्या है कि पेन परसेप्शन में, कॉन्शियसनेस में, लाइक स्लीपिंग अवेकनिंग में भी आपके पास ये थैलेमस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक आप जब सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, या आपको कोई पेन हो रहा होता है, वो जो भी फील हो रहा होता है वो किस वजह से हो रहा होता है, वो थैलेमस की वजह से हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। So the second part जो आपके पास फोर ब्रेन का है, that is hypothalamus. Hypothalamus अगर मैं आपको बताऊं तो ये डायग्राम में देखें, ठीक है। Hypothalamus thalamus के बिल्कुल नीचे जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें हम कहते हैं ये जो पार्ट है इस पोर्शन को हम कहते हैं this is called as hypothalamus. जो सबसे लार्जेस्ट है this is cerebrum, उसके नीचे आपके पास thalamus है और उससे भी बिलो पार्ट है that is called as hypothalamus, ठीक है। ये भी फोर ब्रेन का एक पार्ट है। सो hypothalamus का फंक्शन क्या है कि हमने कहा कि it lies above mid brain and just below the thalamus, कि बिल्कुल thalamus के ये नीचे जो है वो आपके पास प्रेजेंट होता है। और इसका अगर हम साइज देखें तो साइज ऑफ एलमोंड जो बादाम होता है आपके पास, बिल्कुल उतना इसका जो है वो साइज होता है, मींस कि बहुत छोटा होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है आपके पास कि ये नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान एज अ लिंक प्रोवाइड करता है। इंडोक्राइन सिस्टम आपके पास जो हार्मोनल सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है उनके दरमियान जो है वो क्या करता है, लिंक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये जो आपके पास डिफरेंट ग्लैंड है लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, मीन पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं उसकी सिक्रीशन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, बेसिकली हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जो ये रेग पेन प्लेयर सोरो जो आपको गुस्सा आता है, पेन प्लेयर खुशी हो रही है या जो आपको गम है, ये जो फीलिंग्स आती है वो सारी की सारी वो किस वजह से आ रही होती है आपके पास, हाइपोथैलेमस की वजह से आ रही होती है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, दैट इज हाइपोथैलेमस। थर्ड पार्ट इज एंड सम द मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम। फोर ब्रेन का भी सबसे लार्जेस्ट है और ओवरऑल ब्रेन का भी सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम बेसिकली आपके पास कंट्रोल करता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है, लाइक आपके स्केलेटल मसल्स है, आपकी थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इमोशंस जो है वो सारे के सारे बेसिकली कौन कंट्रोल कर होते हैं, सेरिब्रम कंट्रोल कर रहता है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। सेरिब्रम को फर्दर आपके पास दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक आपके पास जिनको हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास एक आपको हम राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं और इसको हम जो है वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी इसको जो है वो आपके पास पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और आपके पास क्या है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये है कि ये फोर ब्रेन है, यहाँ से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये आपके पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आ जाता है, ये आपके पास क्या आ जाता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इसको आप इस तरह जो है वो दो पार्ट में सेरिब्रम को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास इंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रम हेमिस्फीयर दैट इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब जो आपके पास इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर मीन फ्रंट पार्ट जो है वो आपके पास है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। आपके पास जो इंटीरियर पार्ट है सेरिब्रम हेमिस्फीयर का, उसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब बेसिकली आपके पास इसका फंक्शन क्या होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो आपके पास रिलेटेड टू स्मेल, कि आपके पास जो नोज है, हमने कहा ना कि ये ऊपर हमने देखे यहाँ से जो है हाइपोथैलेमस, थैलेमस में हमने कहा था कि थैलेमस सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है एक्सेप्ट फ्रॉम नोज, नोज से रिसीव नहीं करता। वो जो नोज से रिलेटेड होता है वो आपके पास कौन रिलेटेड होता है, दैट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो आपके पास नर्व है, जो नर्व इंपल्स जो है वो रिसीव करता है, एंड जो आपके पास सेंस होती है, सेंसेशन ऑफ स्मेल, कि आपको जो स्मेल होती है वो आपके पास नोज से रिलेटेड है, वो कौन प्रोवाइड करता है, बेसिकली इंटीरियर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी बल्ब व्हिच इज द पार्ट ऑफ द सेरिब्रल सेरिब्रम, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो अपर लेयर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स,
और वो आपके पास ग्रे कलर की होती है, ठीक है। आप देखें तो ये जो अपर लेयर है, ये अगर यहाँ पे बताया नहीं कि ये जो अपर लेयर होती है इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड दैट इज ग्रे इन कलर। ये आपके पास क्या होती है, ये हमारे पास ग्रे इन कलर होती है। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है आपके पास इसमें आपके पास जो ग्रे मैटर होता है, जो ग्रे कलर होती है, जो अपर पार्ट है, इसमें आपके पास सेल जो नर्व सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कौन से हैं, हमने कहा माइलिनिन शीट जो है वो आपके पास प्रेजेंट होती है एक्सॉन पे, विच वर्क एज एन इंसुलेटर। तो आपके पास जो ब्रेन में ये ब्रेन में जो आपके पास यहाँ पे ग्रे मैटर में जो न्यूरॉन होंगे वो नॉन माइलिनेटेड होंगे, मीन पे उसमें वो माइलिन शीट नहीं होगी जो वर्क एज एन इंसुलेटर जो है वो काम करती है। इसके अलावा जैसे आपके पास ग्रे कलर के नीचे बिल्कुल एक और मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट इज व्हाइट इन कलर, वो व्हाइट होता है ठीक है। उसका आपके पास होता है व्हाइट मटेरियल में माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, ग्रे कलर जो मटेरियल है ग्रे मैटर में उसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, जबकि व्हाइट में ये याद रखना है आपके पास माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, मीन इन पे माइलिन शीट जो है वो आपके पास प्रेजेंट होती है। अच्छा जो है वो इसके अलावा जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमने कहा इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये आपके पास इस तरह ये फोल्ड हुआ होता है कि वो आपके पास फिट हो जाता है इनटू द क्रेनियम या इनटू स्कल, ये अदरवाइज इसके हम साइज देखें तो वो जो है वो क्या होता है लार्ज इन साइज होता है। अब सेरिब्रम को भी आगे फर्दर जो है वो आपके पास फोर लोब्स में या फोर पार्ट्स में इसको हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास है फ्रंटल है, पैराइटल है, ऑसिपिटल है, फोर्थ वन आपके पास क्या है टेम्पोरल है। फ्रंटल लोब जो है दैट कंट्रोल द मोटर फंक्शंस, जो आपके मोटर जो है वो फंक्शन जो है कंट्रोल करता है कॉन्शियसनेस को, देन कंट्रोल स्केलेटल मसल और उसके अलावा मूवमेंट जो है वो जो आपकी स्पीच के रिलेटेड मूवमेंट होती है उसको भी कोऑर्डिनेट करता है। फ्रंटल लोब अगर हम मैं बताऊँ आपको ठीक है, फ्रंटल का मतलब फ्रंट जो ये सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम इसका ये लोब जो है ये फ्रंट पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब, इसको हम क्या कहते हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्रंटल लोब। इसका फंक्शन हमने कहा क्या होता है कि आप मोटर फंक्शन जो आपके पास होते हैं और उसके अलावा कॉन्शियसनेस को, स्केलेटल मसल को, मूवमेंट को जो स्पीच की वजह होती है उनको क्या करता है कंट्रोल करता है। सेकंड लोब या सेकंड पार्ट ऑफ द सेरिब्रम दैट इज पैराइटल लोब, पैराइटल लोब जो है इट कंटेन्स सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम स्किन, जो आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी आती हैं इंपल्सेस वो कौन रिसीव करते हैं बेसिकली वो पैराइटल लोब है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेरिब्रम ठीक है। ये देखें ये पैराइटल लोब, ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल लोब ठीक है। तो जो आपका स्किन से रिलेटेड जो भी इम्पल्स आएगी वो कौन रिसीव करेगा पैराइटल लोब ठीक है। उसके अलावा ऑसिपिटल होता है थर्ड लोब है, ऑसिपिटल का फंक्शन क्या है आपके पास इट रिसीव एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन, जो आपको नजर आता है विजुअल से विजुअलाइजेशन है वो आपके पास कौन रिसीव कर होता है बेसिकली वो ऑसिपिटल जो है वो आपके पास इसको कर होता है। ऑसिपिटल हम देखें तो पैराइटल लोब पे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल लोब, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। फोर्थ पार्ट है दैट इज टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब जो है इट इज कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेल, कि आपके पास ये जो आप सुन रहे होते हैं जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वो आप जो सुन रहे हैं, इसके अलावा जो स्मेल आपको आती है वो आपके पास कौन को उसको कंट्रोल कर रहा होता है दैट इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है वो आपके पास सबसे जो नीचे होता है दिस पार्ट, ये भी आपके पास देखें ये ग्रे कलर में है तो ये भी सेरिब्रम का पार्ट है, दिस इज टेम्पोरल लोब, जो आपको स्मेल वगैरह आती है और हेयरिंग जो है दैट इज टेम्पोरल लोब वो आपके पास कंट्रोल करता है ठीक है। अच्छा आपके पास सेरिब्रम में एक बिल्कुल डीप अगर देखें तो एक और स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का फंक्शन क्या होता है कि जो आप मेमोरीज जो है वो आपके पास क्या होती है कंट्रोल करता है, मेमोरीज जो आप आपको जो चीजें याद होती हैं वो आपके पास कौन इसमें कहाँ पे ये स्टोर होती है जाके वो सारी हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है ठीक है। आपकी जो भी न्यू मेमोरी बनती है वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है ठीक है। तो ये आपके पास सेरिब्रम का ये भी एक पार्ट है। तो यहाँ तक आपके पास फोर ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फोर ब्रेन में तीन मेन पार्ट है आपने याद रखना है, थैलेमस है, सेकंड हाइपोथैलेमस और थर्ड वन इज द सेरिब्रम व्हिच इज द लार्जेस्ट पार्ट, फिर इनके आगे ये डिवीजन आ जाते हैं ठीक है। जो ये फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के बाद सेकंड पार्ट है दैट इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आपके पास क्या है, मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, कि हमने मैंने इसकी लोकेशन आपको बताई ठीक है। ये फोर ब्रेन ये अपर पार्ट आ गया, तो ये हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में ये जो पार्ट है
इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। तो ये आपके पास फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के हिंड ब्रेन के क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और आगे फोर ब्रेन के जिस पार्ट को भेजनी हो वहां पे उसको क्या कर देता है, भेज देता है। मीन के जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सबसे पहले मिड ब्रेन में आएगी, मिड ब्रेन आगे उसको भेजेगा जिधर उसने जाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रंटल लोब जाना है, फ्रंटल है, ओसीपीटल है, ये टेम्पोरल लोब है, जहां भी जाना है वो कौन भेजेगा उसको, मिड ब्रेन जो है भेजेगा। तो मिड ब्रेन हम कह सकते हैं इट वर्क्स एज असिस्टेंट के तौर पे, ये क्या कर सकता है, वर्क भी करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपके पास मिड ब्रेन जो है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस और पोस्चर जो है उसको भी आपके पास क्या करता है, इसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब पोस्चर जो आपकी बॉडी की जो शेप होती है तो वो भी आपके पास क्या करता है, इसको ये भी कंट्रोल करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी जो है वो कुछ देखें लोग जो है वो ऐसे टेढ़े होते हैं, कुछ बिल्कुल सीधे होते हैं, कुछ के थोड़े से पोस्चर, जो भी आपकी बॉडी पोस्चर है वो सारा का सारा आपके पास कौन कंट्रोल कर होता है, ये हमारे पास हैंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ऑडिटरी रिफ्लेक्स होता है आपके पास, इट इज रिलेटेड टू हियरिंग, और जो है वो आपके पास अचानक से जो आवाज आती है तो वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस भी कौन कंट्रोल कर होता है, मिड ब्रेन कंट्रोल कर होता है। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज मिड ब्रेन। फर्स्ट जो है वो फोर ब्रेन है, थर्ड ब्रेन, सेकेंड आपके पास क्या है, मिड ब्रेन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो थर्ड पार्ट है दैट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है इसके अलावा इसके हम आगे क्या है इसको भी हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर वन जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, सेकंड सेरिबेलम है, एंड थर्ड वन आपके उसके पोन्स है। आपने याद रखना है जो फोर ब्रेन में दैट इज सेरिब्रम है एंड दिस इज सेरिबेलम, ये दोनों में आपने डिफरेंस जो है वो क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अच्छा ये हम अगर हम देखें हिंड ब्रेन में, ये जो है ये अब ये पोर्शन देखें, दिस इज सेरिबेलम और ये हमारे पास पॉन्स आ जाते हैं एंड दिस वन इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ से नीचे आपके पास क्या हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हिंड ब्रेन में आपके पास मिड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास की पोजिशन देखें तो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के आपके पास क्या होता है, टॉप पे ये देखें प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है तो यहाँ पे टॉप पे मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि आपको इट कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, जो आपके पास बड़ी क्रिटिकल जो सिचुएशंस होती हैं, बिग क्रिटिकल एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो आपके पास बिल्कुल यहाँ जो गर्दन, इसीलिए कहते हैं ना कि आप जो ये जो आपकी बिल्कुल गर्दन पे है पीछे इधर जो है वो किसी चीज को जोर से नहीं मारना चाहिए, क्यों क्यों वहां पे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है तो वो आपके पास ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर को, तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है इसलिए यहाँ पे इससे जो है वो ये बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है ये वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग वगैरह को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। अच्छा इसके अलावा जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो स्पाइनल कॉर्ड से आती है तो वो यहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा से पास होके आगे जाती है। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये भी है कि वो यहाँ से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से रिसीव करता है और आगे जो है वो इसमें से पास होके जाती है आगे ब्रेन को। ठीक है, सो दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो आपके पास कहते हैं कि एक क्रिटिकल पार्ट है हिंड ब्रेन का या ब्रेन का। सेकेंड पार्ट इज सेरिब्रम, सेरिबेलम सॉरी, जो है ये आपके पास बिल्कुल बिहाइंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है, दिस पार्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है कि आपके मसल मूवमेंट्स जो आप मूव कर रहे होते हैं मसल्स को, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट इज पोन्स, पोन्स जो है आपके पास बिल्कुल मेडुला ऑब्लोंगेटा के टॉप पे प्रेजेंट है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है यहाँ पे, ये टॉप पे आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, पोन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पोन्स का इसका फंक्शन क्या होता है कि इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग एंड इट आल्सो सर्व एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका फंक्शन ये होता है कि एक तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को हेल्प करता है, असिस्ट करता है कि वो आपके पास सही से फंक्शन कर सके, ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सके। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है कि ये स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम, यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड है सेरिबेलम है, उनके दरमियान जो है एज अ रिले स्टेशन के तौर पर भी, उनके दरमियान भी एज अ कनेक्शन के तौर पर फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पार्ट आ जाते हैं आपके पास के इसके हिंड ब्रेन के। अच्छा ये आप देखें ये तीनों यहाँ से बेसिकली आपके पास तीनों जो है वो बिलो पार्ट है, यहाँ से ऊपर आपका ब्रेन स्टार्ट होता है। तो ये जो आपके पास हिंड ब्रेन है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों को हम कहते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम।
क्योंकि आपके पास यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को बेसिकली जो आपके पास लिंक करता है पूरे ब्रेन के साथ, वो आपके पास हिंड ब्रेन कर होता है कि मैं सेरिबेलम है जो है वो आपने सॉरी मेडुला ब्रांकेटा पोन्स है और आपके पास मिड ब्रेन है। ये देखें यहाँ से आपके पास ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ रहा है, तो मिड जो स्पाइनल कॉर्ड को लिंक कर रहे हैं बाकी ब्रेन के साथ वो कौन है, मिड ब्रेन है, पोन्स और मेडुला ब्रांकेटा। तो इन तीनों को हम ब्रेन स्टेम का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, इनको हम ब्रेन स्टेम का नाम भी दिया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन। ब्रेन के हमने तीन पार्ट पढ़े, फोर ब्रेन पढ़ा, मिड ब्रेन पढ़ा और थर्ड वन हमने पढ़ा हिंड ब्रेन, ठीक है। सो सेकंड आपके पास आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन से रिलेटेड अगर फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है।